जाओ जाओ, मु तुमको हेल्प कर देबी। नो ऑलरेडी तू एक घरे किछ कम कारनामा करनु छे तो तू हेल्प नहीं कि मैं प्रॉब्लम फेस करबी। सॉरी तो हेल्प मते दरकार नहीं, तो रूम को जा। आ हाँ गोटे कथा मन रख, मो पार्टी चलला बेले तू रूम रूम उठे बाहरी बनी मन रहला। गुड। हे स्टॉप, एक्चुअली मुझे तो रूम रे महारानी वाली रही आपने कहीं कुछ तू जब महारानी है कि तो रूम में रही हूँ ताहले इगर कौन अन्य माने तो चक्रानी मिटू पार्टी स्टार्ट हवा अगर किचन रे जत्ते भी काम अछि ताकू को से करबो आ पार्टी थरे स्टार्ट हे गला परे ताकू ता रूम को पठे देबो। ओके अरे भाऊज एमित में तो अनेक छिड़ा हिचे कौन चलो चलो केत्ते जिंस तैयारी करबा को थिबो तेरी कले पुनी माई का सांग माने आसला बेलू कि सर न गोविंद काका एगुरा सब किचन को नहीं आस। अलमोस्ट गोटे बजे भी जाऊँ सी एठी मते कौन पेंट डके सेलिब्रेट करियो भाई सर। व्हाट डू यू मीन सेलिब्रेट रो अर्थ कौन मो कंपनी रो जो लॉस होची सेठी मैं सेलिब्रेट करिबा जदि मुझे जानी सन्धार जीत पे तुम ठीक समय पहुँच पार तथा मुझे तुमको दोष देवी कहीं तुम सन्ध्या बेस मैच्योर रेस्पनसबिलिटी सन्ध्या ना रेस्पनसबिलिटी थी तुम उपरे बट तुम हेलो यंग मैन। हेलो सर। या सो तुम बॉस कहाँ थे? असल एक्सक्यूज मी आई एम मिस्टर किरोद महापात्र ओनर ऑफ सनशाइन ग्रुप ऑफ कंपनी। सॉरी सर, चंद्रकांत सर ही मो बॉस आउ मुई से आर्किटेक्ट जहाँ नेग्लिजेंस आपण आम कंपनी पर भरोसा न करी पारी डील कैंसल कर दे थी। मु चाहे नी मो भूल पे सर को एत बड़ा लॉस हो कहीं मुझे जानी राय ग्रुप ऑफ कंपनी से आप कंपनी कोलैबोरेशन रे ये प्रोजेक्टा बहुत सक्सेसफुल हम। मुझे
कंपनी रे रुहे कि न रुहे किंतु ए प्रोजेक्ट जमीती हेले हवा दरकार कहीं प्रोजेक्ट पे सारकर सम्मान नष्ट और ए कंपनी रो रेपुटेशन भी तेणु मु चाहे एक्सक्यूज मी यंग मैन तुम कंपनी रो रेपुटेशन आउ तुम कंपनी रो सम्मान पे मु इन्वेस्टमेंट कर पारिबे नै मु गोटे बिजनेस मैन मु केवल लाभ ही देखी एंड मिस्टर राय आपण को एटीट्यूड मत ता प्रोजेक्ट विषय में बहुत भल भाव एक्सप्लेन कर सारी एंड रियली ही इज अ जेनियस तेणु मु केवल देखि पारुछी लाभ ही लाभ तेणु भावुची मु ये डील रे राजी अच्छे सॉरी सर मु जहाँ चाहूँगी है गला आपण मैंने सेलिब्रेट कर तुम बिना ये खुशी मोमेंट को सेलिब्रेट करने को संभव ओ हाय लुकिंग डैशिंग मैन थैंक्स बट रात्रि हटात एमती डाक देलो जी एनीथिंग सीरियस हाँ बहुत सीरियस एक्चुअली दी दिन हैला मुमो रॉकस्टार संगरे देखा है नी एटा कौन सीरियस मैटर नुआ की कम ऑन रात्रि ग्रो अप खाली सत्ती की नो रॉकस्टार मु दी दिन लाने किछी खाई नी व्हाट अब आई मीन रेस्टोरेंट रे खारे तो मु खाई छी हेले आजी रेस्टोरेंट रे लंच करिवा को इच्छा आला एंड यू नो वेरी वेल कि मते कहार ना कहार कंपनी तो पक्का दरकार एंड रॉकस्टार तमड़ भल कंपनी मो पे आउ के आई परबो माय गॉड रात्रि तमे मते एते सीरियस हे के डाकलो जे मु मोर गोटे बहुत इंपोर्टेंट काम छाड़ी चली आसी नथिंग इज मोर इंपोर्टेंट देन रात्रि ओके जदि मु तुमको एमती लंच पे डाकी थांती हुए तो तुम्हें मते अवॉइड कर था तो अब कामर बहाना देखे था तो सेति पे मु टिके एक्टिंग कर देली सॉरी डियर आई एम सो सॉरी मोर एमती करबाटा ठीक नथिला अब जदि तुम्हें चाहून तेल आम जी प्लान कैंसल आउ के जी आई डोंट माइंड एक्चुअली रात्रि मु बहुत अपसेट अच्छे कामर बहुत प्रेशर बट तुमर ये प्लान जो मत लगुच मत मो कम टे ब्रेक मिल जाव So I'm sorry and thank you. Oh, so sweet. By the way, Rockstar, तुम टेंशन कौन मुझे जानी पड़ेगी? तुम ही जानले कौन करी वो रात्रि. It's none of your business, dear. But टेंशन शेयर कर ले, तुम मैं एटलिस्ट रिलैक्स तो है परी बा. कुहा मते? Actually वो तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन पाई टेंडर अप्लाई करी आ रहा थी. सो मु जानी नी ए सब केमिति आउ कोठु मिलिबो
रॉकस्टार रिलैक्स सब मिल जा चलो लंका भाबो भाबो जेते बोकी भाबिया कथा भाबो गारु आछी ना तमे मते जहा करबो मु मानि जिबी एते भी मु बोकी न जे पनी परिबा चिनी परिबिन आमो गां रे भी लंका गछ अछि आ मु लंका देखि छी हैला भाउज एटा कोन कहिलो लंका भाउज तमे भी ये जदि लंका तहले एटा कोन एटा भी लंका ये लंका ये भी लंका दी जन टिके डाक्टर को पाखु जाई मुंडो परीक्षा करके आसो मुंडो खराब हे गलाणी अरे बाबा एटा होची सिमला लंका याकु कैप्सिकम भी कोंती तहले एटा राग भी तो लागिवो सबु कैप्सिकम राग लागेनी किंतु गोटे गोटे लागे अच्छा हो देखिबा कि पिला तमे तमु मु कोउची लंका बोली तमे पुणी खाउछ नियो एटा खाइ दियो ना ना मु एटा खाइबिनी एटा बिसे लंका बोलिया देखा होची नाही रे एटा लंका नुह एटा होची बाहर देशर गुटे अंगूर मीठा लागिबो खाइ दियो भाउज एटा तो मीठा लागुची मते आउ गोटे दियो नियो चलो जल्दी जल्दी रंधा रंधी करदे ना लेट हो जा प्लीज एक्चुअली मो आर्किटेक्ट एपर्यंत मो पारे पहुंची नांती नो नो डैड ही इज देयर मिस्टर शांतनु पाणी आवर न्यू आर्किटेक्ट सॉरी यंग मैन मते भूल बुझी बने बट आमो कंपनी रे मो तमको नहीं पारुनी बिकॉज मो आर्किटेक्ट प्रत्युष मिस्टर पाणी बर्तमान कंपनी को तुम सर्विस कौन सी आवश्यकता नहीं सो प्लीज
ओके सर, थैंक यू। प्रत्युष, प्रोजेक्ट विषय तो तुम्हें जानी सो तुम्हें एक्सप्लेन करो। ओके सर। प्रोजेक्टा केवल आपण मानक पाई नुहे बर ए कंपनी पाई गोटे माइलस्टोन क्रिएट करियो। थैंक यू। नाउ मीटिंग इज ओवर, रेस्ट आपण मानक आमे नोटिफाई करिवो, वर्तमान आपण मान आसपारंथि। प्रत्युष, तुम्हें तुम चैंबर को जाओ। ओके सर। कौन है ला? आश्चर्य लगुच। यस सर, अपन ये कौन करु छन मु किछि बुझी परनी। मु बुझे दु छी। प्रत्युष रो एफर्ट ऑनेस्टी पई मिस्टर महापात्र संगे जो 75 करोड़ रो डील कैंसिल जे थिला सेटा मुझे पुणी थे मिल पारे। इज इट दैट? यस, बर्तमान मुझे मिस्टर महापात्र पाखु फेर प्रत्युषर प्रोजेक्ट से इंप्रेस ही मो सा कंट्राक्ट पर साइन भी कर सी। रियली दैट प्रत्युष इज जीनियस। लास्ट नाइट पार्टी का बोरिंग, ओ गॉड, गोटे गोटे नमूना। I missed it. Of course. Exactly तमे मिस कर देले सैफन। My God. I think से स्त्री लोक गाँव रु आसची ना कौन किछि जानिनी। तो मेकअप और कॉस्ट्यूम देखले I swear तो मैंने हसी हसी गड़ी जीव। So funny. एत्ते पर्यंत ओढ़ना और एत्ते बड़ा मंगलसूत्र। आ मुंडरे पुनी मेंचे सिंदूर। वाओ की टेस्टी एंटे पकड़ा मु कोई भी स्टार होटल रे खाइने। सत्ता, लेट मी टेस्ट। अरे हाँ यार, बहुत टेस्टी है जी। इज इट? अरे सेटा तो मो डॉटर इन लो मिताली करची। मिताली कह दे आंटी को केमती तो पकोड़ा बनाई छु। पकोड़ा? ना ना मम्मी, ए पकोड़ा मु करिनी। ये पकड़ा तो आम संध्या माँ कर संध्या किए जेनी तुम नुआ कुकर रखीच नहीं संध्या एक्चुअली सेमती कहीं नुहे से मो भाणीजी संध्या गुड इवनिंग मिस्टर राय वेरी गुड इवनिंग
ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପକୋଡ଼ା କରିଥିବ କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଉଣୀ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପକୋଡ଼ା ତିଆରି କରୁଥିଲା ରିଏଲି ମିଷ୍ଟର ରାୟ ଭେରି ଟେଷ୍ଟି ଆରେ ସେ କାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 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 ତୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ମାନେ ତୋର କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆ ଏଠିକା ମେଘର ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଣିଜୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଗାଁରୁ ତୁ ଅଏଲି ଆକ୍ଚୁଲି ତମକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବିକଜ ଏଇଟା ତ ଖାଇଲେ ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଇଜନ୍ଟ ଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କେମିତି ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମୁଁ ତ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ତେଣୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ମୋଟେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମଲେ ମରିଯିବ ନାଇଁ ମାମୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଇଁ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଉ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଣ ମରିବା କଥା ଆଉ କେବେ ବି ମୁହଁରେ ଧରିବେନି ବୋଉକୁ ତ ହରେଇ ସାରିଛି ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଚାରି